भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। हाँ मम्मी, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ दीजिए खाने के लिए। पापा कहाँ हैं? गए थे काम करने ना, बोल रहे थे अभी खाना लेकर आऊंगा तुम्हें दूंगा खाने के लिए। कहाँ है पापा? अरे मेरे बेटे, पापा गए हैं काम पर, अभी खाना लेके आते होंगे। मैं तुम्हें क्या दूँ बेटा, 10 मिनट इंतजार कर लो बेटे, अभी पापा न कुछ लेकर आते ही होंगे। हाँ मम्मी, ये घंटे में कब आएंगे पापा खाना लेके? ये भगवान, मैं कैसे इन बच्चों को समझाऊं, घर में एक अनाज का टुकड़ा नहीं है, कैसे मैं बच्चों को खाने के लिए दूं? बेटे तुम लोग मेरे पास आओ। हाँ बोलो माँ, क्या बात है? ऐसा करो बेटा, तुम लोग माता जी का ध्यान लगाओ, हो सकता है पापा जी जल्दी से घर खाना लेके आ जाएं। हे दुर्गा माँ, मेरे पापा गए हैं काम करने, हम लोग 2 दिन से भूखे हैं, मेरे पापा को कोई ना कोई काम लगा दीजिए जल्दी से माता जी, और मेरे पापा को जल्दी से घर भेजिए ताकि हम लोग कुछ खा सकें। हे माता रानी, आप तो सबकी माता हैं, जन जननी है माता जी, आप मेरे पापा को जल्दी से घर पे भेज दीजिए खाना लेकर। माता जी, मेरी मम्मी कहाँ जाए, कहाँ से खाना लेकर आए? हम लोग भी नन्हे मुन्ने बच्चे, हम लोग कहाँ से खाना पाए खाने के लिए? हे माता रानी, आप कहीं ना कहीं से व्यवस्था करिए, मेरे पापा को जल्दी भेजिए घर, हम लोग 2 दिन से भूखे हैं, कुछ नहीं खाए हैं। हे भगवान, अब तो मैं थक गया हूँ, दिन भर चलते चलते मैं क्या करूं? उधर मेरे घर पे मेरी पत्नी, मेरे दो दो बच्चे इंतजार करते होंगे कि कब पापा आएंगे, मुझे कुछ खाने के लिए कराएंगे, देंगे मुझे कुछ खाने के लिए। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ से अनाज लेकर जाऊं बच्चों को खाने के लिए। सुबह सुबह निकला घर से, दिल बाहर चौराहा पर गया, वहाँ पर कुछ आदमी से पाना पैसा मुझे नहीं मिल पाया। मैं सोचा कोई काम कर लूंगा, कुछ खाने पीने के मिल जाएगा। फिर वहाँ से निकला मंसूरगंज गया, मंसूरगंज के चौराहे पर कुछ लोगों से बात किया, फिर भी वहाँ पर भी नहीं, किसी ने मुझे मेरा मदद नहीं किया। अब मैं क्या करूँ, अब सोच रहा हूँ चलूँ पनियरा चौराहे पर चलूँ, वहाँ थोड़ा बड़ा बाजार लगता है, वहाँ पर कोई आदमी मिल जाएगा जो मुझे कोई काम देगा, काम करके कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं घर पे ले जाऊँगा कुछ खाने पीने के लिए। अब मैं क्या करूँ भोलेनाथ, मेरा कुछ आँख से सूझ नहीं रहा, मैं क्या ना करूँ क्या ना करूँ। चाचा जी, चाचा जी सुन रहे हैं? थोड़ा इधर आइएगा। तुम मुझको बुला रहे थे क्या? बोलो क्या बात है, क्यों बुला रहे थे? हाँ चाचा जी, मैं आपको ही बुला रहा था। मैं ये कह रहा था चाचा जी, आपके घर में या खेत में या कहीं भी आपके घर कोई काम हो तो बताइए, मैं बहुत ही मारा हुआ हूँ, बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे घर पे दो दो बच्चे, मेरी पत्नी है जो कि 2 दिन से भूखे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या अंकल जी? नहीं नहीं मेरे घर में कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है, इस समय कोई काम नहीं है, जाओ कहीं और देख लो, ठीक है, मुझे झूठों का परेशान करके रखे हो। मैं चलो, मैं किसी काम से जा रहा था, दूसरे मुझे बुला कर परेशान कर रहे हो, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, परेशान करने लगते हैं सब। हे भगवान, अब आप ही का सहारा है, मुझे कोई काम दिला दीजिए, मेरे बीवी बच्चे ताकि कुछ खा सके पी सके। लगता है मेरे भक्त बहुत परेशानी में है, उनका सहायता करना पड़ेगा मुझे। मैं आ रहा हूँ तुम लोगों की सेवा में हाजिर हूँ बेटे, तुम लोग चिंता मत करो बेटे, मैं ही आ गया। अगर आप लोग भी ऐसे ही माता रानी का भक्त बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए,
कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हाँ भाई लोग, चैनल के सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और देखिए माता जी का सच्चा भक्त बने तो।